दोस्तों गवर्नमेंट ने बजट 2023 के अंदर इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसके अंदर कुछ चेंजिंग करी है, ये हम सब ने देख लिया। लेकिन अब ये जो नया स्लैब रेट आया है उसको लेके जो अकाउंट्स फील्ड में नए अकाउंटेंट लोग हैं उनके माइंड में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो इनकम टैक्स का स्लैब चल रहा है उसको लेके भी है, और जो नया स्लैब है, हालांकि जो नया स्लैब फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल होगा, उसको लेके भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये वीडियो केवल फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न वो फाइल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो अब कन्फ्यूजन करने वाला सबसे बड़ा सवाल यही है कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर एक बात की थी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन अगर हम स्लैब को देखें तो स्लैब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए तक है तो आपको 5% है जो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है भी अगर आपकी कोई जो इनकम है नए टैक्स रिजाइम के एक्ट में, तो वो अगर आपकी 7 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स में। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं 3 लाख रुपए तक की छूट है और ऊपर कह रहे हैं 7 लाख रुपए तक की कोई टैक्स नहीं पे करना। तो ये सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है ये आज की इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है कि कब आपको 7 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी और कब आपको 3 लाख रुपए के ऊपर भी 5% का टैक्स है जो देना पड़ेगा। और ये सेम कन्फ्यूजन अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम के अंदर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो टैक्स स्लैब चल रहा है उसको लेके भी है। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर गवर्नमेंट कह रही है भी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अगर हम स्लैब को देखें तो स्लैब के अंदर कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% टैक्स भी करना पड़ेगा। तो अब 5 लाख रुपए का जिक्र यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन 7 लाख रुपए का जिक्र इस नए स्लैब के अंदर भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भी 7 लाख रुपए की इनकम आपको किस नजरिए से देखना है, कब आपको कैलकुलेशन किस प्रकार से करनी है 7 लाख रुपए की, और प्रेजेंट टाइम का जो हमारा स्लैब है उसमें 5 लाख रुपए की कैलकुलेशन आपको किस प्रकार से करनी है। आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा एक्सेल के अंदर भी किस तरीके से इनकम टैक्स की जो कैलकुलेशन करी जाती है। तो एक वीडियो एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखोगे तो सारी स्टोरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, सारा सस्पेंस आपका 5 लाख का और 7 लाख का ये जो दूर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनकम टैक्स के कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। आप इनकम टैक्स का कैलकुलेटर ऑनलाइन भी देख सकते हो या डाउनलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पुराने अक्रम स्लैब की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है भी हम जो अभी चेक कर रहे हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, यानी कि जो हमारा 1 अप्रैल 2023 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसका जो रिटर्न आप जब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आपके ऊपर जो नया टैक्स स्लैब है वो लागू होगा। तो अगर हम बात करें भी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर, तो 22-23 के अंदर स्लैब के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं भी अगर आपकी एज 0 से 60 साल तक है तो आपका टैक्स रेट अलग हिसाब से लगता है, 60 साल से ज़्यादा और 80 साल तक है तो टैक्स रेट आपका अलग हिसाब चेंज हो जाता है, और 80 साल से ज़्यादा है तो आपका टैक्स है जो चेंज हो जाता है। लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि हमारी एज इस कैटेगरी के अंदर है, तो इसके लिए हम करेंगे गो टू नेक्स्ट। तो अब हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कुछ डाटा यहाँ पर फीड करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं 5 लाख रुपए तक की हम इनकम यहाँ पर फीडिंग करते हैं और हम चलते हैं गो टू नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे ही हम गो टू नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर हमारे से कुछ डिडक्शन मांगी जाएगी, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है भी इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है लोगों के मन में भी हमने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो वो उस इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है।
यहां पर उस इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है जो इनकम टैक्स के एक्ट के छूट के दायरे के अंदर आती है। जैसा कि आप देख सकते हो भी जो हमारी बेसिक डिडक्शन है जैसा कि ATC। अब ATC रूल के अंदर क्या होता है, जैसे आपने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है या आपने कोई PPF है, कोई म्यूचुअल फंड के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है टैक्स सेविंग के पर्पज से, तो उस टाइप की डिडक्शन की कैटेगरी आपकी ATC के अंदर आती है। तो इसी तरीके से कुछ ATD के अंदर भी आती है, जैसे कि आपने कोई मेडिकल प्रीमियम ले रखा हो, ठीक है ना, हेल्थ चेकअप का उस टाइप का कोई, उसके अंदर आप छूट ले सकते हो। तो इसके बारे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक हम इस चैप्टर को चेंज मतलब कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर रहे, हमने केवल हमारी इनकम फीडिंग करी है 5 लाख रुपए की और उसके ऊपर हम टैक्स की कैलकुलेशन देखते हैं। तो जैसे हमने टैक्स की कैलकुलेशन करी तो आपने देखा भी हमारी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक की है और इसके अंदर हमें डिडक्शन मिली है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की, यानी कि हम इसको कह सकते हैं भी एक स्पेशल हमारे लिए छूट है सैलरी पर्सन या पेंशनर के लिए। तो अब आपकी जो टोटल इनकम बच गई है वो है 4,50,000 रुपए की। तो अगर हम टोटल टैक्स की बात करें तो टैक्स की अमाउंट अभी भी यहाँ पर जीरो आ रही है। तो अब हम बात करें भी ये कौन सा चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ओल्ड रिजीम की बात करें, जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रहा है, जिसके हम बात कर रहे थे ना कि 5 लाख रुपए तक की आपकी छूट है, तो वो वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमने इनकम 5 लाख रुपए करी लेकिन टैक्स इसने नहीं बनाया। तो अगर हम इसको स्लैब को देखें तो स्लैब के अंदर ये था कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% का टैक्स है जो पे करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे स्लैब चल रहे हैं उसके अंदर भी दो हमारे टैक्स रिजाइम एप्लीकेबल है। अब पहला कौन सा, जो ओल्ड अभी तक हमारा पुराना चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था भी अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो एग्जम्प्ट है, उसके बाद अगर आपकी 2.5 लाख रुपए और 1 रुपए से ज्यादा लेके 5 लाख रुपए तक है तो आपको 5% का टैक्स पे करना पड़ेगा ओल्ड स्कीम के अंदर भी और नए के अंदर भी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से लेके और 7,50,000 के बीच में है तो नए टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पुराने हिसाब से आपको 20% का टैक्स है जो देना पड़ेगा। अगर इनकम आपकी मतलब पुराने स्लैब की बात करें तो अगर आपकी इनकम है जो 5 लाख रुपए और 10 लाख के बीच के अंदर है तो उसके कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7.5 से लेके 10 लाख के बीच के अंदर तो 15% का टैक्स है, लेकिन यहाँ पर 5 लाख से लेके 10 लाख तक का भी आपको 20% टैक्स है जो पुराने स्कीम के अंदर पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी 10 लाख से ज़्यादा लेके 15 लाख है तो 30% है, लेकिन नए रिजाइम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे भी 2.5 लाख रुपए की इनकम आपकी प्लस हो जाएगी ये 5% का आपका जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये तो जाए अभी हमारे जो प्रेजेंट टाइम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो चल रहे हैं, ये हमारा पुराना चल रहा है, ये हमारा 21 के अंदर नया स्लैब है जो गवर्नमेंट लेके आई थी। अब इसकी जगह जो हमारा 23-24 के अंदर जो नया रिजीम बजट 2023 के अंदर जो घोषणा हुई है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर हमारा इस कंडीशन के अंदर जो हमारी 5 लाख रुपए तक इनकम वाली जो छूट है वो बात अब यहाँ पर लागू होती है। लेकिन अब हम थोड़ी सी इस इनकम के अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं। तो अब हमारे बात करें भी पोस्ट बजट जो फाइनेंस 23 है उसके अंदर भी हमारा जो टैक्स है नहीं लग रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट हमें यहाँ पर भी मिल रही है और यहाँ पर भी मिल रही है। तो हम वापस चलते हैं इनकम के, इनकम हम यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के 8 लाख रुपए की करते हैं और छूट हमने यहाँ पर भी नहीं ली है किसी टाइप की। तो अब आप देखोगे अब यहाँ पर क्या हुआ भी आपकी इनकम कितनी हुई 8 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपको छूट मिल गई, टोटल आपकी इनकम कितनी होगी 7,50,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पर 65,000 रुपए का टैक्स बन गया। अब ये 65,000 रुपए का टैक्स क्यों बना भी, अब हमें इसकी टैक्स की कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। अब यहाँ पर आपका जो नया नियम है ना कौन सा 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख के बीच वाला, अब वो फॉर्मूला अब आपके ऊपर लागू हो रहा है। किस प्रकार से लागू हो रहा है उसको हम चेक कर लेते हैं, एक्सेल पे चलते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं। अब हमने ग्रोस इनकम डाली 8 लाख रुपए की, ठीक है। अब 8 लाख रुपए के आधार पे आपकी 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन की हमने छूट ले ली, 7,50,000 रुपए हमारी इनकम बच गई। अब टैक्स की अगर हम बात करें तो जो एक्चुअल में जो टैक्स है हमारा वो है 62,500 रुपए का और इसके अंदर 2,500 रुपए का हमारा 4% का
सेस लगा हुआ है, तो एक्चुअल में टैक्स है ये वाला, हालांकि ये भी टैक्स की अमाउंट है, टोटल टैक्स की कैलकुलेशन दोनों को जोड़ के पे करनी पड़ती है। तो ये 62,500 रुपए का आपका टैक्स बन गया। अब ये 62,500 रुपए का टैक्स है जो किस हिसाब से बना है वो आप देखो। अब यहाँ पर देखो जो टोटल नेट इनकम है वो कितनी होगी, 7,50,000 की। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारी 5,00,000 रुपए तक की वाली जो गवर्नमेंट की स्कीम थी उसको हमने क्रॉस कर दिया। तो जैसे ही हम हमारी नेट इनकम जो हमारी लिमिट है 5,00,000 रुपए की उसको जब हम पार कर देंगे, तो ऐसा नहीं है भी 7,00,000 में से हम 5,00,000 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो केवल 2,50,000 रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, अब इसके अंदर क्या चुका, अब लिमिट आपकी 2,50,000 रुपए तक की छूट मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर आपको पूरा 5,00,000 रुपए का बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, यहां पर जो एग्जम्पशन लिमिट है वो हमारी 2,50,000 रुपए तक ही है। तो 7,50,000 रुपए से हमने 2,50,000 रुपए की हमारी टैक्स फ्री इनकम है उसको माइनस कर दिया, तो इनकम बच गई हमारी 5,00,000 रुपए की। अब इस 5,00,000 रुपए के अंदर देखो स्लैब हमारा क्या कहता है कि अगर 2,50,000 रुपए तक तो बिल्कुल फ्री है, 2.5 से लेकर 5 के बीच के अंदर 5% टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 2,50,000 से 2.5 के बीच में टोटल इनकम कितनी होगी हमारी 2,50,000 रुपए की। तो उसके बाद फिर वापस कितनी बची बीच और 2,50,000 वापस की। तो पहला जो हमारा 2,50,000 है इसके ऊपर हमें कितना परसेंट टैक्स कैलकुलेट करना है, 5% का, और उसके बाद जो हमारी इनकम बच गई उसके हिसाब से हमें कितना करना पड़ेगा उसके ऊपर हम 20% करेंगे। कौन सा टैक्स ले रहे हैं हम, ये वाला, यानी कि पहले 5 और उसके बाद में ऊपर वाले पे सीधा 20% का टैक्स है जो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने टैक्स कैलकुलेट किया तो 2,50,000 के ऊपर बन गया आपका 12,500 का, और इस 2,50,000 के ऊपर बन गया आपका 50,000 रुपये का टैक्स। तो यानी कि टोटल की टैक्स की कैलकुलेशन आपकी 62,500 रुपये टैक्स आपका बन गया इन दोनों को ऐड करेंगे तो। और यहाँ पर भी हम देखें तो आप देख सकते हो 62,500 रुपये का आपका टैक्स है जो बन चुके हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं जो हमें अलग से डिडक्शन, यानी कि एक्स्ट्रा जो डिडक्शन हमारी होती है ATC की, ATD की, उसके अंदर अगर हम अमाउंट को फिलअप करते हैं तो हमारी इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वापस हम चलते हैं, ग्रोस इनकम की सैलरी अभी भी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी 8,00,000 रुपये की है, और अब हम मान लीजिए ATC की जो हमारी 1,50,000 रुपये तक की जो छूट है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और ATD मेडिकलम की हम 25,000 रुपये यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, और अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हमने कैलकुलेट किया तो आप देख सकते हो हमारी जो एग्जम्पशन लिमिट है वो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपये का, और उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सॉरी उसकी अलग से जो आपकी डिडक्शन है चैप्टर 5A की, वो 1,75,000, यानी कि 1,50,000 रुपये ATC की और 25,000 रुपये की आपकी ATD की। तो अब यहाँ पर आपकी जो नेट इनकम है वो 5,75,000 रुपये की होगी, यानी कि कहने का मतलब ये हो जाए कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी इनकम में से लेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसकी अमाउंट कम बनती है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम कम बनेगी तो आपके ऊपर इनकम टैक्स भी कम लगेगा। अगर हम इसकी कैलकुलेशन को देखें तो हम कह सकते हैं भी टोटल हमारी जो 50,000 रुपये की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वो तो है ही, इसके अलावा 1,75,000 रुपये की अलग से हमें छूट मिली है। तो हम इसको 1,75,000 रुपये यहाँ पर हम ओवर फिटिंग करते हैं, तो अब आप देख सकते हो जो टोटल इनकम आपकी है वो कितनी होगी, 5,75,000 रुपये। लेकिन अभी भी हम 5,00,000 रुपये वाली लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर वो 2.5% 2,50,000 से 5,00,000 रुपये तक का जो 5% वाला जो स्लेब है वो अभी भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। तो अब एप्लीकेबल होगा तो टैक्स हमारा कितना बनेगा, 27,500 का। अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर ने भी 27,500 रुपये की ही कैलकुलेशन करी है। अब ये कैलकुलेशन हुई किस हिसाब से है, तो 5,75,000 की इनकम, 2,50,000 रुपये की जो हमारी छूट है वो हमने यहाँ पर माइनस कर दी, तो जो टोटल इनकम आपकी वो बच गई 3,25,000 रुपये की। अब ये 3,25,000 रुपये के अंदर जो हमारा 2,50,000 रुपये तक का जो फर्स्ट स्लेब है उसके ऊपर तो 12,500 लग गया, और उसके बाद में हमारी बच गई 75,000 रुपये की। अब ये 75,000 की कौन सी बचगी, 3,25,000, और 3,25,000 में 2,50,000 रुपये का टैक्स हमने पहले ही लगा दिया, तो अब हमारी पीछे बचगी 75,000। अब इस 75,000 रुपये के ऊपर आपका 20% का टैक्स है जो अलग लगेगा, तो दोनों टैक्स मिला के 27,500 रुपये की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है भी नेट इनकम आपकी 5,75,000 है तो छूट अब यहाँ पर आप 5,00,000 रुपये की ले लोगे, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे करने से आपके टैक्स की कैलकुलेशन है जो गड़बड़ा जाएगी। अब 5,00,000 रुपये की आप छूट नहीं ले सकते, अब आपको छूट है यहाँ पर 2,50,000 रुपये तक ही मिलेगी,
तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया भी अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख रुपए की लिमिट की बात करें तो 4,99,999 रुपए तक की है तो आपको कोई टैक्स नहीं है। अगर 5 लाख रुपए से आपने 1 रुपया भी क्रॉस कर दिया तो उस कंडीशन के अंदर आपके ऊपर ये जो टैक्स स्लैब है उस कंडीशन के अंदर लागू हो जाएगा। अगर आपकी जो नेट इनकम सब कुछ डिडक्शन करने के बाद में 5 लाख रुपए से कम रहती है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स है जो देने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इनकी डिडक्शन की। तो अब ये डिडक्शन है जो हमारा केवल आपको ओल्ड टैक्स के अंदर स्कीम के अंदर ही मिलेगा, और जो हमारी जितनी भी हम छूट ले रहे हैं ATC की, ATD की, HRA की, हाउस लोन इंटरेस्ट की, तो वो हमारा इसके अंदर कोई भी छूट हम नहीं लेंगे। इसके अंदर जितनी भी आपकी इनकम है उस इनकम को आपको फ्लैट रेट मानते हुए उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको इस टैक्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको तय करना है। तो सेम स्लेब हमारा फाइनेंशियल जो 23-24 के अंदर एप्लीकेबल होगा, जो नया रिजाइन है उसके अंदर भी सेम कंडीशन यही है भी अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, यानी कि 1 रुपया भी ऊपर नहीं है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 7,50,000 रुपये बनती है, तो जैसे हमने 7,50,000 रुपये, यानी कि अब ये कौन सी इनकम मानी जाएगी, नेट इनकम। अब इसके अंदर भी आपको केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, आपकी जितनी भी छूट है वो उसका छूट का फायदा आप इस स्लैब के अंदर भी नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमारी इनकम नेट इनकम कितनी होगी, 7,50,000 रुपये। अब हमारे ऊपर ये जो नियम है 3 लाख रुपये से पहले 3 लाख रुपये के ऊपर आपको अलग परसेंटेज देना पड़ेगा, उसके बाद वाली इनकम के ऊपर आपको 10% है जो टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके अंदर जहाँ पर हमने ओल्ड के अंदर हमने 2.5 लाख रुपये हमने कम किया था, तो यहाँ पर अब आपकी जो छूट है वो 50,000 रुपये अलग से बढ़ा दी है, वो अब 3 लाख रुपये तक हो चुकी है। 3 लाख रुपये तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें इसके अमाउंट की, तो ये हमारी जो 3 लाख रुपये की इनकम है वो हम माइनस करते हैं, तो 750 में से 3 लाख रुपये हमारे माइनस हो गए, तो अब कितनी इनकम बच गई हमारी, 4,50,000 रुपये। तो अब 4,50,000 रुपये के अंदर हमारा टैक्स स्लैब कहता है भी आपका जो पहला 3 लाख रुपये है उसके ऊपर आपको पे करना है 5% का, जो बनेगा 15,000 रुपये। ठीक है, इसके अंदर हम इसको माइनस करते हैं, 3 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये का 5%, यानी कि 15,000 रुपये। और उसके बाद में आपकी इनकम कितनी बचेगी, जो जितनी इनकम बचेगी उस परसेंट का आपको 10%। तो यानी कि इस हिसाब से आपको स्लैब इसके अंदर हिसाब से काउंटिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं है भी जितनी इनकम आपके 7,50,000 रुपये होगी तो यहाँ आप 7 लाख है जो इसको माइनस कर दोगे। अब 7 लाख रुपये का नियम लागू नहीं होगा, 7 लाख नियम आपका तब तक लग रहेगा जब तक आपकी ये जो इनकम है ये आपकी यहाँ तक चल रही है, बस यानी कि 6,99,999, यानी कि 7 लाख रुपये तक 1 रुपया ऊपर होते ही आपका ये स्लैब है जो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो कन्फ्यूजन है भी 7 लाख रुपये तक कब फ्री है, 5 लाख रुपए तक कब फ्री है, और कब आपको 3 लाख रुपए के ऊपर भी टैक्स है जो पे करना पड़ सकता है, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना।